गाड़ी तो है इस वक्त सुबह की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के जमशेदपुर में एक ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरकर एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा राजघरसवा और बड़ा बम्बो के बीच हुआ। हावड़ा मेल एक्सप्रेस के साथ सुबह 3:43 पर यह दुर्घटना घटी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरने के बाद बगल में ही खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे के अधिकारियों ने इस हादसे में दर्जन भर यात्रियों के घायल होने की पुष्टि की है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल लाया जा रहा है। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इस हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेन की बोगियां सुबह 3:43 पर पटरी से उतरी। यह हादसा कैसे हुआ ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है। दरअसल एक्सप्रेस ट्रेन जिस पटरी से उतर रही थी उसके बगल में ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। बोगियां बेपटरी होकर मालगाड़ी से उतर गईं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अब तक इसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। इस रेल हादसे में यात्रियों को चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में लाया जा रहा है। मौके पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। हालांकि रेलवे ने इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेलवे ने करीब 13 नंबर जारी किए हैं जो अलग अलग शहरों के लिए जारी किए गए हैं। दुर्घटना कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेल एक्सप्रेस के कई डब्बे आपस में चढ़ गए। कई की स्पीड तेज होने की वजह से वो बीच में मुड़ गए और कई आपस में बुरी तरह सट चुके हैं। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। इस दुर्घटना के बाद से हावड़ा मुंबई मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। अब तक की जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक मालगाड़ी और कोचिंग ट्रेन के डिब्बे काफी दूर तक फैले हुए हैं। इसके कारण थर्ड लाइन भी प्रभावित हुई है। वहीं दुर्घटना के कारण ओवरहेड लाइन, खंबे और ट्रेन की पटरी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रेन संख्या 12810 जिसमें टाटा नगर इंजन संख्या 37077 लगा हुआ था, टाटा नगर स्टेशन से सुबह 2:39 पर अपने निर्धारित समय से 3.5 घंटा देरी से रवाना हुई। ट्रेन का टाटा नगर स्थित पहुंचने का समय 11:02 था। घटना के समय ट्रेन लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बताया जा रहा है कि दुर्घटना की जांच के लिए इंजीनियरिंग विभाग की टीम को भी रवाना कर दिया गया है। मालूम हो कि अब तक 1 सप्ताह पहले ही दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा सेक्शन के दौरे पर आए थे और वो अब कलकत्ता लौट चुके हैं। इसी के साथ रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक KRK रेड्डी भी इन दिनों चक्रधरपुर मंडल में ही हैं और मंडल में आने वाली नई रेल लाइनों की समीक्षा कर रहे हैं।